क्या आपके घर में डॉग है? नहीं। अगर है और आप उसके बालों से परेशान हैं, तो इस वीडियो में आज हम एक डॉग हेयर रिमूवर का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करेंगे लैम्पार कंपनी की तरफ से आता है, जो कि मेरे हाथ में कुछ इस तरीके का है और ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि ये सही से काम करता भी है कि नहीं। अच्छा, तो आपको मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगा। और गाइस, ये मैंने अमेज़न से मंगाया था, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि ये मुझे कितने का पड़ा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके काम की है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ये है वो बॉक्स, जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, डिब्बा खोलते ही हमें हमारा बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसे फिलहाल अभी साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ है। तो गाइज, आपको इसमें ₹50 का कैशबैक भी मिल जाता है अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए बॉक्स और इसे साइड में फेंक देते हैं। तो गाइज, अब आ जाते हैं अपने बॉक्स पे। सबसे पहले बॉक्स का आउटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रीयूजेबल पैड फॉर रिमूवर सेल्फ क्लीनिंग बेस, मीन्स ये रीयूजेबल, आप इसे कर पाएंगे और सेल्फ क्लीनिंग बेस है। इसका जो बेस है वो सेल्फ क्लीनिंग वाला है। यहाँ पे कुछ एक डॉग और एक कैट की ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो अंदर है इसके डॉग हेयर रिमूवर, उसकी यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है। कुछ इस तरीके का आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेट फॉर लिख रखा है। फर्नीचर, क्लोथिंग, कार्पेट, पिलो, कार सीट्स एंड मोर, कुछ और भी चीजों पे आप इसे यूज कर पाएंगे। साइड की तरफ देख लेते हैं, तो साइड में आपको इजी एज 1 2 3 तीन स्टेप दे रखे हैं इन्होंने। स्वाइप टू क्लीन, डिप इनटू बेस एंड रिमूव फर फ्रॉम ब्रश, मींस आपको क्लीन करना है कुछ इस डायरेक्शन में स्वाइप कर करके। दूसरा, डिप इनटू बेस, मींस जब आप डिप करेंगे तो ये साफ हो जाएगा कुछ। तीसरा, रिमूव फर फ्रॉम ब्रश, कुछ आपके जो फर वर होंगे या फिर हेयर होंगे उनको ही क्लीन कर देगा। नीचे की तरफ यहाँ लिख रखा है रीयूजेबल पैड फॉर रिमूवर विद सेल्फ क्लीनिंग बेस, वही जो ब्रांडिंग पीछे कर रखी थी। एंड डबल साइडेड एक्शन क्लीन्स इन हाफ द टर्मिनल, कुछ ये ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। तो आपको बैक साइड पे भी कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एज इट इज सेम। साइड में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, मेड इन चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो चलिए डिब्बे को खोल लेते हैं। तो गाइज, ये दो चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। पहला आपको कुछ बैट टाइप का देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको कुछ ये छोटी चीजों को साफ करने के लिए कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले बैट टाइप वाला जो ये है इसकी बात कर लेते हैं। तो आप इससे क्रिकेट भी खेल सकते हैं कुछ इस तरीके से। और गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बॉडी की बात कर लेता हूँ, तो ये पूरा प्लास्टिक बेस है, जो कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, ऑल प्लास्टिक बेस है। ये भी गाइज अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है, ऑल प्लास्टिक बेस है ये भी। आपको कुछ इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करके कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं इसके रिसेप्टर्स कुछ इस तरीके के हैं। ये कुछ आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये लगा हुआ है, इसको बोलना मुश्किल है ये है क्या, ये रिसेप्टर्स ही लग रहे हैं गाइज। और ये गाइज डबल साइडेड है, आप दोनों तरफ से साफ कर सकते हैं। कुछ मैंने इसके ट्यूटोरियल्स देखे थे कि इसको यूज कैसे करना है और साफ कैसे करना है, तो उसी के बेस पे हम इसे यूज करके देखेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइज इस छोटे वाले की। तो छोटे वाला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको वही रिसेप्टर्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के, और ये केवल सिंगल साइडेड है। ये मेरे ख्याल से छोटी मोटी जगहों के लिए होगा। आपको इसे क्लीन कैसे करना है, सपोज आपके कुछ यहाँ पे क्लीन करने के बाद कुछ बाल वाल यहाँ फंसे रह जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर डालना है और कुछ बाहर खींच देना है और वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो आप उसे इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। वही चीज इस पे भी अप्लाई होती है, सेम उसी पैटर्न पे बना रखा है ये। कुछ इस तरीके से आपको हेयर वाला ब्रश कुछ इस तरीके से डालना है अंदर, और फिर इस तरीके से कुछ खींच लेना है इसे बाहर, तो ये क्लीन हो जाएगा और इसके यहाँ पे हेयर्स कलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, तो आप इसको निकाल के क्लीन कर पाएंगे। मैं आपको इसका एक डेमो दे देता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। ये गाइस एक क्लॉथ है जिसपे कि मेरा डॉग हमेशा बैठा रहता है। अभी तो आपको ये साफ दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे पास से देखिए, इसमें बाल फंसे हुए हैं कुछ इस तरीके के बाल आप देख सकते हैं इसमें फंसे हुए हैं, और ये सारे में ही है गाइस। तो चलिए इसे मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस बैट वाले से क्लीन करके दिखाता हूँ कि कितना क्लीन होता है। थोड़ी देर रगड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है ब्रश का। चलिए मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे थोड़े से रह रखे हैं, इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो कई बार साफ करने के बाद कुछ क्लीन तो हो जाता है ये कुछ इस तरीके से, और जो इसमें हेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको खोल के यहाँ से साफ कर लेना है इसे। और गाइज अब छोटे वाले को यूज कर लेते हैं, ये बेसिकली शर्ट पैंट्स या फिर छोटी मोटी चीजों के लिए है गाइज, तो मैं आपको इससे साफ करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर रगड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है हमारे छोटे वाले ब्रश का भी। चलिए इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं छोटे वाले में भी कुछ इस तरीके से साफ ही साइडों से नहीं हुआ है, सेम बड़े वाले जैसी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। गाइज मैंने कई बार ट्राई कर लिया लेकिन ये नीचे से साफ नहीं हो रहा है, बाकी जगहों से तो ये साफ हो चुका है। तो गाइज क्लॉथ को क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको अभी दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको पास से दिखाता हूँ कि ये कितना क्लीन हुआ है। आप गाइज इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ बाल इसने छोड़ दिए हैं अभी भी कुछ इस तरीके से। और गाइज ये हमारे यहाँ मैट है जिसपे हमारा डॉग बैठता है, तो मैं आपको इसके ऊपर भी क्लीन करके दिखा देता हूँ कि ये मैट पे कैसे वर्क करता है। पहले आप मैट को देख लीजिए कि मैट में कितने बाल हैं। चलिए तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। पहले आप ब्रश को देख लीजिए, ब्रश हमारा बिल्कुल क्लीन है। चलिए तो इसे भी साफ करके देखते हैं। कुछ इस तरीके का हो जाता है हमारा ब्रश जब हम इसे मैट पे यूज करके देखते हैं। चलिए तो इसको क्लीन करके देखते हैं गाइस। इसके अंदर भी गाइस आपको यही रिसेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपस में रगड़ के उन हेयर्स को यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो चलिए खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर का क्या नजारा है। कुछ इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से क्लीन कर लीजिएगा। और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा मैट कैसा साफ हुआ है। कुछ इस तरीके का गाइज हमारा मैट साफ हुआ है, अभी भी इसमें बाल बाल फंसे हुए हैं। ओवरऑल गाइज मुझे कुछ खास लगा नहीं क्योंकि ये क्लीन तो करता है लेकिन उतनी अच्छी परफेक्शन से नहीं कर पाता है। आप अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा इस प्रोडक्ट पे। और गाइज इतना साफ तो कोई आपका नॉर्मल सा ब्रश भी कर देगा, आप उससे साफ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है इस डॉग हेयर रिमूवर से। और गाइज ये मुझे अमेजोन से 399 का पड़ा है, अगर आप अभी भी इसे लेना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर देना, नए हो पहली बार आया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।